प्रोबंजा टीवी का तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मनदीप जोत सिंह। इस वेले की वड्डी खबर आ रही है मनकिर तौलक दे नाल जुड़ी हुई। जी हाँ, मनकिर तौलक का पिछा कर रहे थे कुछ नौजवान और उस तो बाद जिहड़ा सारी घटना सीसीटीवी फुटेज दे विच कैद हो गई है। तो पूरी फुटेज भी दिखावांगे, तुहानू वीडियो भी दिखावांगे जिहड़ी सीसीटीवी कैमरिया दे विच कैद हुई और सामने आई है। तो देख सकते हो होमलैंड की यह वीडियो दसी जा रही है जिथे देर रात जिहड़ा मनकिर तौलक जदों अपनी सिक्योरिटी समेत घर वापस आ रहा हुंदा तां पिछे जिहड़ा एक बाइक के उपर तीन नौजवान आके मुंह ढके हुए ने, उन्होंने वालों पिछा किया जाता, रैकी की जाती है और उस तो बाद मनकिर तौलक के गनमैन जिहड़े आ गड्डी चो बाहर आके निकल के सामने आउंदे आ, पर जिहड़े बदमाश हुंदे आ मौके तो भज्जे आउंदे आ। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो, सब तो पहला तुहानूं दिखा रहे हैं तस्वीरां जिहड़ियां ने, देख सकते हो गड्डियां दो पहला एंडेवर और लैंड क्रूजर गड्डी जिहड़ी है अंदर आई है होमलैंड दे विच एंटर हुई है। तो उस तो बाद पहला दो शख्स जिहड़े आ बाइक सवार उत्थों निकल जाते आ। तो देख सकते हो दोनों सीसीटीवी एंगल तो वक् वक् एंगल तो जिहड़ियां वीडियो दिखा रहे हैं फुटेज दिखा रहे हैं। तो एक पासे सिक्योरिटी जिहड़ी है बाहर निकल के आउंदी है, जो देखती है कि आखिरकार वो मुंडे कौन सी तां उत्थों फरार हो जांदे आ। तां देख सकदे हो किस प्रकार जिहड़ा मोटरसाइकिल दे उपर आके दो बदमाश जिहड़े आ मुंह ढके हुए ने, जिन्हां दे इह फरार हो गए ने। दस दईए कि मनकिर तौलक नूं पिछले लंबे समय तो धमकियां आ रही ने, पिछले समयां दौरान जिहड़ा वक् वक् गिरफ्तारियां भी हुई ने मनकिर तौलक नाल जुड़े हुए, क्योंकि लगातार मनकिर तौलक नूं थ्रैट परसैप्शन और बहुत ज़्यादा जिहड़ा स्ट्रिक्ट थ्रैट परसैप्शन जिहड़ा पुलिस दे वल्लों कहा गया। तो तस्वीर देख सकते हो, ये तस्वीर ने सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी सामने आ रही है होमलैंड जिहड़ा कहा जा रहा है कि होमलैंड दे विच जदों एंटर करदे आ तां दो गड्डियां मनकिर तौलक दीआं जदों एंटर हुंदी आ, पिछे सिक्योरिटी की गड्डी हुंदी आ, ते उस तो बाद एक मोटरसाइकिल ते देख सकते हो जिहड़े मूँह ढकिया होया नौजवान कुछ मुंडे जिहड़े ने आ रहे हैं और उन्हां दे वल्लों पहलां वेख्या जांदा है कि मनकिर तौलक एंटर हो गया, पर जदों एंटर हो जांदा ते उस तो बाद सिक्योरिटी हालांकि बाहर आउंदी आ। तां तस्वीरां तुसीं देख सकते हो सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी सामने आई है, तो सीसीटीवी फुटेज के उपर तो देख सकते हो, तुहानू दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज मनकिर तौलक दे नाल जुड़ी हुई हुण तक की सब तो वड्डी खबर जिहड़ी सामने आ रही है। तो पूरी जानकारी दे लई जिहड़ा तुहानू दिखावांगे कि किस प्रकार जिहड़ा, क्योंकि मनकिर तौलक नूं पिछले काफ़ी समय दे विच कोलों जिहड़ा लगातार थ्रैट आ रही सी, लगातार धमकियां मिल रही सी, ते पिछले दिनों दौरान अरैसट भी चंडीगढ़ पुलिस तुहानू याद होगा अरैसट करदी आ दो नौजवानों नूं, दो शूटरों नूं अरैसट करदी आ और जिन्हां दा लिंक पाया जांदा है बंबीहा ग्रुप के नाल। तो देख सकते हो तुम ये तस्वीर जी सामने आई है। तो पूरी जानकारी दे लई मेरे नाल मेरे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके ने। विक्रम, जी सीसीटीवी वायरल हो रही है आ रही है सामने मनकिर तौलक होना दी पिछे कुछ नौजवान लगे हुए ने, तो पूरा मामला की है ये? बिल्कुल बिल्कुल मनदीप, देखो मनकिर तौलक नु पिछले दिनों तो थ्रेट भी सीगे बंबीहा ग्रुप दे वल्लों और होर भी की गैंगस्टरां दे वल्लों धमकियां दित्तियां जा रहियां सी कि बब्बू मान ते मनकिर तौलक नु असीं मारांगे, इस तरह दीआं मनकिर तौलक दी गड्डी काले रंग दी और एक गड्डी जिहड़ी आ होर मनकिर तौलक दी टीम दी गड्डी, दो तीन गड्डियां दा इहनां दा काफला सीगा और इह गड्डियां जिवें ही अंदर आउंदियां ने हाँ विक्रम एक मिनट मैं टीम नूं कहूंगा कि फुल स्क्रीन कर दित्तियां जाने सीसीटीवी फुटेज जिहड़ियां सामने आ रही ने। जी विक्रम जी जी बिल्कुल मनदीप, क्योंकि जिस तरीके दे नाल एक बार तुसीं इह दिखाओ भी कि स्क्रीन ते भी कि जदों गड्डियां आउंदियां ने बेसिकली गड्डियां जदों अंदर दाखिल हुंदियां ने पहला काले रंग दी गड्डी अंदर एंटर हुंदी आ जिथे सामने सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी कैमरा भी लग्गिया हुंदा और फिर एक दूसरी गड्डी आउंदी आ जदों और पिछली गड्डी चो गनमैन तकरीबन डेढ़ दो किलोमीटर तो मुंडे पिछा कर रहे थे गड्डिया का और पहला कि खड़े से शायद और तफ्तीश जी पुलिस करेगी कि आखिर माजरा पूरा, पर जो गनमैन मनदीप जो जाता भज के पिछे और उस तो बाद फिर बाकी भी टीम के जो मैंबर ने मनकिर तौलक के वह भी भज के पिछे जाके देखते हैं, तो उन्हें मोटरसाइकिल सवार मुंडे सीसीटीवी फुटेज बड़ा क्लीयर दिख रहा कि वह फरार हो जाते हैं, उतों ही फरार हो जाते हैं मुंडे जिहड़े मगर पिछा करते हुए नजर आ रहे थे और इतों ही जिस तरीके दस्या जा रहा है कि उन्होंने मोहाली पुलिस को भी इतलाह कर दी है
यह भी जानकारी मनदीप निकल के सामने आ रही है। अस संपर्क भी कर रहे हैं उन्होंने नाल भी कि उन्होंने वालों भी कोई क्लैरिफिकेशन इस तरह का निकल के आवे सामने तो फिर पूरी कहानी जी पता लगेगी। पर उन्होंने जो क्लोज सोर्स ने उन्होंने ये सानू कन्फर्मेशन की है सीसी के किले वाकई इस तरह की गल हुई है और उस तो बाद फिर सीसीटीवी फुटेज भी मनदीप निकल के सामने आया जिस तो बाद कहानी क्लीयर होंगी है कि कोई पीछा कर रहे थे। पहला यह लग रहा था शायद कोई फैन टाइप फोन या कोई फैन हो तो कोई फैन होंगे तो शायद रुक भी सकते थे रुक के फोटो खिंचवा सकते थे पर फड़े जा सकते बिल्कुल मनदीप हो सकता थी कि कोई इस तरह का खुलासा पर मैं ये लगता कि शायद उन्होंने सेफ साइड देखी होनी आपकी कि पहला अपने आप को सेफ करिए आपदियां गड्डियां सेफ करिए असी और यह ना हो कि एक ट्रैप होवे और अभी पिछे लगी और होर भी उधरों कोई निकल के आ जाए तो यह मैं लगता कि सेफ साइड रह के उन्होंने पिछा करने की कोशिश थोड़ी जी की। होमलैंड दी सीसीटीवी ने विक्रम ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੀਮ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੋਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਕਰਮ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਰਮ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨਕਰ ਤੌਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਮੂਮੂ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਨਕਰ ਤੌਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਲ ਮਨਕਰ ਤੌਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੱਕਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਟਕੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨਕਰ ਤੌਲਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਐਂਡੈਵਰ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਕਰ ਤੌਲਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਕਰ ਤੌਲਕ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਵੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨਕਰ ਤੌਲਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਮਨਕਰ ਤੌਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ AK-47 ਦਾ AK-47 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਵੈਪਨ ਹੋਣ ਜੋ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੈਪਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਕਰ ਤੌਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।